भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम। आदरणीय भरत जावर जी, हमारे ट्रस्ट के सदस्य, हमारे सेवा संस्था के ऑफिस बेरर्स और सभी भगवान के भक्तों को मेरा हार्दिक सायरा। बाबा कहते थे कि भगवान के बिना भक्त नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। तो भगवान और भक्त के बीच में जो रिश्ता है वो इतना अनोखा है और इतना अनूठा है कि उसकी हम क्या चर्चा करें। एक दिन हमारे दोनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फाइनेंस ऑफिसर्स कृष्ण कुमार जी और अप्पा राव जी स्वामी के चरणों में बैठे हुए थे, तो अपने शब्दों में ये बात बाबा ने कही। ना कभी पहले, ना भविष्य में कभी है ऐसा अवतार श्री सत्य साई। ना कभी पहले ऐसा अवतार हुआ, ना भविष्य में कभी ऐसा अवतार आएगा। अवतार पहले भी थे, अवतार भविष्य में भी आएंगे, लेकिन श्री सत्य साई जैसा अवतार ना भूतो ना भविष्यति। ऐसे भगवान के साथ हमें इस जिंदगी में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला, उनके स्पर्शन का सौभाग्य मिला, उनके संभाषण का सौभाग्य मिला। ये तो उनका अपूर्व अनुग्रह है। संसार में भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? दो दिन हुए मैं किसी भक्त से बात कर रहा था प्रशांत लेम ने, तो एक भारत के बहुत पहुंचे हुए महात्मा के शिष्य रहे, बाबा के भक्त थे। बाबा ने कहा ये तेरा गुरु है, इनको गुरु मान के उनकी सेवा करो। तो वो अपने शिष्य को बता रहे थे कि सत्य साई का सर्वप्रथम भक्त कौन है, जानते हो? तो शिष्य अपने गुरु के चेहरे को देख रहा है, तो गुरु ने कहा उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त है कलयुग। कलयुग का जो प्रभाव है उस प्रभाव को विस्तृत करने के लिए उसे जो शक्ति चाहिए, उसे कहां से वो शक्ति मिलती है? भगवान श्री सत्य साई बाबा से। तो वो सर्वप्रथम भगवान का भक्त है। अब कलयुग में कितना हाहाकार होता है और हो रहा है,
वो तो हम सब जानते हैं। तो उस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो इसमें भी भगवान ने हमें मार्गदर्शन दिया है। उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सदयम हृदयम यस्य भाषितम सत्यभूषितम काय परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्। संस्कृत की पंक्तियां हैं। तो बाबा कहते हैं जिस व्यक्ति के दिल में दया हो, जिसके वचन में सत्य का आभूषण हो और जिसका शरीर दूसरों के हित में निरंतर रहे, ऐसे व्यक्ति को कली का प्रभाव कैसे पड़े। दिल में दया होनी चाहिए, वचन में सत्य हो और हाथ में भगवान और समाज की सेवा हो, ऐसे व्यक्ति पर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान ने हमें एक मार्गदर्शन दिया है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि अगर व्यक्ति भगवान को, भगवान की इच्छा रखता है, तो सतयुग में उसे ध्यान की साधना करनी पड़ती थी। जब द्वापर युग आया तो धर्म की साधना करनी पड़ी त्रेता युग में। फिर द्वापर युग आया, द्वापर युग में शास्त्रों ने कहा कि भगवान की आराधना अर्चना से करो। लेकिन कलयुग के जमाने में मनुष्य के लिए इतना भी करना बहुत मुश्किल है। तो बाबा ने भी कहा है कि कलयुग में सर्वोत्तम साधना है नाम स्मरण। इसीलिए हमारे संगठन में कभी भी सभा बैठती है तो हम भगवान का स्मरण जरूर करते हैं। भगवान की एक चिन्ह कथा है, श्री रामचंद्र की माँ कौशल्या के पास एक बार एक औरत आई तो बोलने लगी कि मैं हनुमान जी की माँ हूं, आपको पता है मेरे बेटे ने क्या क्या नहीं किया, सागर उसने पार करके इतने कुछ कांड किए। अच्छा, आपके बेटे ने इतना कुछ किया। फिर एक और औरत उधर आई तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं अगस्त मुनि की माँ हूं। तो उन्होंने उनकी बात, हनुमान जी के माँ की बात सुनी तो बोले, आपने बेटे ने सागर के इस तट से उस तट तक कूद मारी, मेरे बेटे ने तो हाथ में पूरे सागर का पानी लेकर पूरे सागर को पी गया। आप उसकी बात, उसकी कांड देखो। तो कौशल्या ने कहा कि मैं हूं रामचंद्र की मां, जो भी आपके बेटों ने किया है वो मेरे बेटे के अनुग्रह के कारण है, बेटे के अनुग्रह के कारण। तो उसी समय रामचंद्र जी आए तो पूछने लगे कि आप लोग क्या बातें कर रहे। तो
कौशल्या ने कहा, देखे लोग ऐसे बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि तेरी कृपा से इन्होंने अपने जीवन में इतना हासिल किया। तो रामचंद्र जी ने कहा, ये मेरे कृपा की बात नहीं है, जब मेरा जन्म हुआ उस समय मुझे राम नाम दिया गया, तो मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है और मेरे नाम को लेकर इन्होंने जो कुछ किया है और जो भी व्यक्ति इस नाम को लेकर कुछ भी काम करता है, ये मेरा महत्व नहीं है, ये इस राम नाम का महत्व है। हम जब भी मिलते हैं उत्तर भारत में, जब भी हम मिलते हैं गांवों में, तो हम इस प्रकार अपने को, अपने लोगों को पुकारते हैं, राम राम भैया। हम ये नहीं कहते राम भैया, राम 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 भैया, राम राम भैया, उसका मतलब राम मेरे अंदर हैं, राम आपके अंदर हैं, जो राम मेरे दिल में बसे हैं वो आपके दिल में बसे हुए राम को प्रणाम करते हैं। हमारे सेवा संगठन में जब हम मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, ओम श्री साई राम। ये जो भगवान ने हमें एक मंत्र दिया है, ये कुछ साधारण मंत्र नहीं है। अब हमारे बाल विकास गुरु अपने बच्चों को कितने श्लोक सिखाते हैं, भजन सिखाते हैं, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। अब करीब 12-15 साल पहले आपको पता है गुजरात में भूकंप आया, भुज में काफी तैताई मची, तो लोग रेस्क्यू पार्टी के लोग वहां देखने गए कि भाई किसको हम, किसकी रक्षा कर सकते हैं। तो जब जा रहे थे तो किसी मकान का क्या कहें, जो भी बचा कुचा जो भी पड़ा था, तो उसको उस के पास जब गए तो नीचे से एक धीमी सी आवाज उनको सुनाई दे रही है गायत्री मंत्र की। तो सबने सोचा कि जरूर कोई व्यक्ति अंदर है, तो उन्होंने जो पत्थर थे सब दूर किया, तो छोटी सी बच्ची 6-7 साल की नीचे पड़ी हुई है और गायत्री का जाप कर रही है। अब उसने गायत्री का जाप किया तभी तो इनको पता चला कि इधर कोई व्यक्ति है। अब आप सोचिए, किसी माँ ने या किसी गुरु ने अपने इतने छोटे 5 या 6 साल की उम्र के बच्चे को ये बात सिखाई, देखो कभी तुम्हें कोई परेशानी हो तो इस गायत्री का जाप करना और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ बाप पता नहीं वो बचे कि नहीं बचे, लेकिन जब कोई नहीं रहा उस बच्ची के लिए, वो गायत्री का जाप कर रही है और उस आवाज को सुनकर, गायत्री मंत्र के जाप को सुनकर सब लोग उधर आए और उस बच्ची का उन्होंने रक्षा किया। तो भगवान का जो नाम है ये इतना मूल्यवान है। बाबा बच्चों को समझाया करते थे, देखो अगर तुम वन में जा रहे हो, घोर अंधेरा, मीलों तक घना वन, और रात का समय कितने जानवरों की क्या क्या आवाजें आ रही हैं, दिल कांप जाता है।
आदमी सोचता है भाई इतने घने जंगल में रात के समय हम इसको कैसे पार करेंगे, और हाथ में एक छोटा सा दीपक, केरोसिन का लैंप, जिसकी रोशनी 2 फुट तक जाती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति उस केरोसिन को लैंप को जमीन पर रखे बजाय हाथ में पकड़े और चले, चाहे वो रोशनी 2 फुट तक हो, चलते 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 वो कब रात सुबह हो गई वो वन पार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि इस घोर अंधकार संसार में भगवान का नाम लो, ये उस दीपक के रोशनी के समान है जो पूरे संसार सागर को तुझे तैर कराएगा।